इसको मानते हुए सभी नगरवासियों से यह निवेदन है कि इस योजना में अपना अधिक से अधिक योगदान देकर ये यही लाए हैं या ये जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और जय गौ माता गौ माता गौ माता। ये चीज आपके बच्चे देखेंगे। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सन्तजा नमस्तस्य 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 नमो नमः। गजाननं भूतनालसेवितं कपीतजम्बो फलचारभक्षणं वासुदं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पहली रोटी गाय की पहली रोटी पहली रोटी पहली रोटी गाय की गाय की गाय की गाय की श्री बाबा रामदास गोशाला सेवा समिति सिंहासन सीकर राजस्थान का वाहन आपके घर आपके ढाणी। वही पुण्य गौ माता को गोल्ड क्रॉस देने से मिलता है। श्री बाबा रामदास गोशाला सेवा समिति सिंहासन श्री बाबा रामदास गोशाला श्री बाबा रामदास गोशाला सेवा समिति सिंहासन। सेवा के लिए हमेशा प्रेरित रहते हो। ये सृष्टि का नियम था, जब तक माँ जो शब्द था उसकी जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक कोई फल नहीं मिलेगा। पांच प्रकार की माताएं हैं। सबसे पहले गौ माता ही आती है, उसके बाद में जननी माता, उसके बाद में गंगा माता और धरती माता और गीता माता। इनसे हमें कुछ प्राप्त होता है, हम इनको कुछ नहीं दे सकते, ये हमारा भ्रम है। यही हमें देती है और जब यह हमें देती है तो अगर वंश में वृद्धि करनी है तो गौ माता की सेवा करो। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, राजा दिलीप के जब संतान नहीं थी तो उन्होंने जाकर के ऋषि के पैरों में गिर गए कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। तो ऋषि ने ये कहा कि ये जो गौ माता है नंदिनी, इसकी सेवा करो तुम। तो बोले ये दे दो। बोले ये तो नहीं दूंगा लेकिन बछड़ी आप इसकी ले जाओ। राजा दिलीप ने बछड़ी की सेवा की और बछड़ी की सेवा करते 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 एक दिन गौ माता ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सिंह का रूप बना लिया और बछड़ी चल रही थी। तो सिंह ने बछड़ी पे जैसे ही आक्रमण किया तो राजा दिलीप वहाँ पहुँचे, बोले तुम इसको छोड़ दो, मुझे खा लो, तुम मुझे खा लो, इस बछड़ी को छोड़ दो, ये गऊ माता है। बोले राजा तो कहाँ से लाएंगे, बछड़ी और हो जाएगी। बोले नहीं। तो राजा दिलीप ने अपना प्रण कठोर रखा, सत्यता पे रहा, गऊ माता के प्रति उसके भाव देखे तो सिंह जो रूप में आए थे वो वहीं पे गायब हो गए। और गऊ माता से जो है सेवा करने से रघु जो राजा थे वो ये राजा के दशरथ हुए, दशरथ के चार पुत्र हुए और वंश बढ़ता चला गया। तो पक्की गारंटेड बात है, गौ माता के अगर रोज आप हाथ फेरोगे ना तो आपके गठिया बाय, सिर दर्द, चक्कर आना,
ये हमारे प्रत्यक्ष में प्रमाण देखे हुए हैं वो सब मिट जाते हैं। बोल गौ माता की जय।